नरेश, आज आपके पास आते हैं और समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, बताइए। मेरे रडार पे फार्मा स्टॉक्स, लार्ज कैप फार्मा नेम्स, जहां पे एक ब्रेकआउट और रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बाय रहेगा सन फार्मा पर, स्टॉप लॉस होगा 1130, टारगेट होगा 1250 का। स्टॉक ने टॉप बनाया था 1150-1180 में 2015 में, उसके बाद ये भाव आ रहा है फिर से 8 साल के बाद, तो लगता है कि एक बड़ा ट्रेंड चेंजिंग मूव हो सकता है यहाँ पे। सो ओवरऑल स्टार्ट ऑफ अ बिगर ट्रेंड। दूसरा स्टॉक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, जिसने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया और आर्ली चार्ट्स पे भी अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 5620, टारगेट होगा 5900 का। और सन फार्मा दो खरीदारी की पिक आ रही है नूरेश जी की तरफ से। कुणाल जी, आपकी टॉपिक क्या है? मैं दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला मिड कैप एंड पे रहेगा, पेटीएम पे बाय कॉल रहेगा। स्टॉक आज काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लास्ट वन वीक वन मंथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस था स्टॉक का। 945 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 988 का, स्टॉप लॉस 928। और टाटा मोटर्स, जिसमें पहले भी बुलिश रह चुका हूँ, ये भी एक बाय कॉल रहेगी टाटा मोटर्स पे भी। एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक अपने दो दिन या पुराने तीन दिन के स्विंग हाई को क्रॉस कर ले। 688 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं टाटा मोटर्स पे, स्टॉप लॉस 628। ठीक है, तो दो बाय रिकमेंडेशंस कुणाल की तरफ से भी। पर रवि जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है? देखिए, पावर प्ले है तो बहुत से लोग हो सकता है ट्रेड को छोड़ जाएं, तो इसलिए आज का ट्रेड ऐसा है कि जो आप बीटीएसटी भी कर जाएंगे तो फायदा दे जाएगा। तो सृष्टि जी, टारगेट यही रहेगा कि अच्छा प्रॉफिट मिले। पहला कॉल है यहाँ पर सन टीवी, इस समय 661 के पास पहुंच चुका है, खरीद लीजिए। 690 के टारगेट है 655, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा मुनाफा ये दे सकता है। और बीटीएसटी भी कर जाएंगे तो भी आपको फायदा देगा, और एक से दो दिन में भी अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। तो इंट्राडे में बुक करना है बुक करके जाइए, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक, आपने पूरे प्रोग्राम में चर्चा की थी पावर स्टॉक की और सब लोग मिस कर रहे थे, इसलिए पीटीसी यहां पर इस समय 137 पे मैंने दिया था, लेकिन अब बढ़ के हो गया 138, तो कोई टेंशन नहीं है, सामने से बाय करिए। 145 तक का टारगेट है अपसाइड पे, स्टॉप लॉस 135 था, अब 136 कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी बीटीएसटी में भी यूज कर सकते हैं और इंट्राडे में भी पावर प्ले का फायदा देगा आपको। तो इस स्टॉक को भी आप अपने यहां पर पोर्टफोलियो में अभी एड करके ट्रेडिंग के मुनाफा बना सकते हैं। सन टीवी और पीटीसी दो टॉपिक रवि जी की तरफ से। नीलेश जी, आपकी? हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर्स हैं। एक जो काउंटर ऑलरेडी कवर हो चुका है वो है सन टीवी, मेरा भी यहाँ पर खरीदारी का बाय कॉल है। यहाँ पर सन टीवी में लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, लगभग 3% से ज्यादा का ओवर एडिशन यहाँ पे हुआ है, और खराब बाजार की विपरीत यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। सन टीवी में 653 का स्टॉप लॉस होगा, 680 के पहले टारगेट, दूसरा टारगेट 700 रुपए का होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक है वो है कैश स्पेस में से बजाज कंज्यूमर, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 220 के लेवल के आसपास बनता हुआ नजर आया था। अब यहाँ से निचले स्तर से पुल बैक हम यहाँ पे इस पर करके चल रहे हैं, ऊपरी स्तर पर 251 के टारगेट के लिए 230 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। सभी कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, पर जाते जाते एक बार क्विकली कुणाल आपसे मार्केट पे नजरिया जानना चाहेंगे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी भी है और उसके ठीक पहले हमने एक शार्प सेलिंग आती हुई देखी। बट इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो वो इतने खराब नहीं थे, आज भारतीय बाजार ज्यादा ही गिरते हुए नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस कमजोरी को? वीकनेस बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे हम लास्ट कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि इन बैंकिंग स्टॉक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग नेम्स में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, बाइंग की पैटर्न बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की वीकनेस भी एक वन ऑफ द डेज है जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स, आज तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, काफ़ी सारे दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स में हम नेगेटिविटी देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक ये पैटर्न लार्ज कैप स्टॉक्स पे रहेगा, तब तक बैंक निफ्टी में प्रेशर बनता रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट है कि बैंक निफ्टी अपने पुराने स्विंग सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जो 43,800 के आसपास है। अगर ये लेवल्स को हम ब्रेक कर दें क्लोजिंग बेसिस पे, तो शायद सेलिंग एग्रीवेट हो सकती है बैंक निफ्टी में। ओके, बट कुणाल, जिस तरीके का सेक्टर चर्न हम आज देख रहे हैं, क्या अब ये फिर से मौका है फार्मा में आने का? क्योंकि आज, जी हाँ, कई सारे फार्मा काउंटर्स में अच्छी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं हम, बट कई समय से ये काउंटर्स चल भी नहीं रहे थे, तो क्या और भी बाइंग आ सकती है फार्मा में? तो मैं फिलहाल काफ़ी सिलेक्टिव रहूँगा फार्मा स्टॉक्स में से, बिकॉज एक फेज था जहाँ पे मिड कैप्स
मिड कैप फार्मा स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल आउट परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि जाइडस लाइफ, ग्लेनमार्क स्टॉक्स ने, और फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स एक कमबैक कर रहे हैं। तो अगर हम लास्ट 2-3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी आया है। तो आई थिंक मेरे अनुमान से कोर्स फार्मा स्टॉक्स का सेम रहेगा, हॉर्सेस चेंज हो जाएंगे, जो पहले मिड कैप एंड पे था वहाँ से चेंज करके मेरा मानना है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आ जाना चाहिए। एक और आखिरी सवाल कुणाल, जाते जाते आज लार्ज कैप्स में सेलिंग हावी होती हुई दिखी है। देखिए रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज ट्विंस, ये सभी प्रेशर में हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए इनमें, या फिर ये और भी मार्केट्स को ड्रैग कर सकते हैं? क्या कुछ इनके चार्ज पर्टिकुलरली आपको कमज़ोर दिख रहे हैं? तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की जो सेलिंग है, बजाज फाइनेंस पर्टिकुलरली, आई थिंक वो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ की सेलिंग है, बिकॉज रिजल्ट्स के बाद हम जनरली देखते हैं कि स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट जो कंसर्निंग पॉइंट है वो है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और यू नो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि पुराने लोज वापस से रीटेस्ट हो रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ से यू नो 1-2% की भी और सेलिंग अगर एग्रेवेट हो जाती है लार्जर कैप बैंकिंग स्टॉक्स में से या रिलायंस ऐसे दिग्गज नेम्स में से, तो मेरा मानना है कि प्रेशर और एग्रेवेट हो सकता है इंडेक्सेस में। ओके, तो ये नज़रिया लार्ज कैप स्पेस पे और इंडेक्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, और इसी के साथ हमारे बाकी तमाम एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक्स फटाफट के शो में ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीतियाँ लाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए।